क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान न्यूज 24 और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। 5 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में जीत हासिल कर पहले ही खिताब अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम चौथे मुकाबले में करारी हार के बाद 3 फरवरी को खेले जाने वाले सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगी। जबकि दूसरी तरफ चौथे वनडे में एक तरफा जीत के बाद न्यूजीलैंड टीम का भी मनोबल 7वें आसमान पर है। ऐसे में कीवी टीम भी इस मुकाबले को जीतने में एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। वहीं इस मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड टीम के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कहा है कि वो अब अपनी लय हासिल कर चुके हैं। बोल्ट ने उम्मीद जताई कि आखिरी मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन कर अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जाहिर है कि ट्रेंट बोल्ट एक बेहतरीन गेंदबाज है। जब वो अपने लय में हो तो दुनिया के किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं, जिसका ट्रेलर पिछले मुकाबले में बोल्ट दिखा चुके हैं। बोल्ट की धारदार गेंदबाजी के आगे भारतीय टीम की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वहीं माना जा रहा है कि आखिरी मुकाबले में कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा टीम इंडिया में कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। हालांकि बेशक इस मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेलेंगे, बावजूद इसके भारतीय टीम में कई ऐसे धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर टीम इंडिया को मैच जिताने की क्षमता रखते हैं। दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार खुद कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ही अगर मैदान में टिक गए तो अकेले ही ट्रेंट बोल्ट जैसे गेंदबाजों की बखिया उधेड़ सकते हैं। इसके अलावा शिखर धवन, अंबाती रायडू, सुमन गिल के साथ साथ हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी भी कीवी गेंदबाजों को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमता रखते हैं। वहीं पिछले मुकाबले में पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की कमी भारतीय टीम को खली थी। उम्मीद की जा रही है कि इस मुकाबले में धोनी को प्लेइंग 11 में जरूर शामिल किया जाएगा। भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है: रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, सुमन गिल, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी। क्या भारत की इस प्लेइंग 11 से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।